क्या पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाना चाहेंगे? नहीं सर, मैं IAS ऑफिसर। पॉलिटिक्स को अपना इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को सर्व करना मेरा लक्ष्य रहा है शुरू से। आप कैरियर बनाना चाहेंगे? सोचेंगे सर। मैं श्वेता सिंह, देवगढ़ जिले से। आपको थर्ड पोजीशन मिला? हाँ जी। आप पक्ष से हो? हाँ जी। सरकार की तरफ से पक्ष मजबूती से रखें? हाँ सर, पक्ष रखना भी चाहिए क्योंकि विपक्ष हमेशा मौका ढूंढते हैं कि कैसे भी करके सरकार को थोड़ा सा फंसाया जाए। तो सर मैंने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया कि आप फंसा सके। मैंने अपना बेस्ट दिया, अपना बेस्ट रखा, इससे विपक्ष भी कन्विंस हो गई, सरकार को भी खुशी हुई। हाँ सर। आज जो सरकार है झारखंड में, वो क्या लगता है कि आप जिस तरह से अभी सरकार को डिफेंड कर रही थी, उसी तरह सरकार को डिफेंड करने की जरूरत है कि उस पर सवाल खड़े करने? सर देखिए, अगर सरकार सही करती है तो मैं डिफेंड करूंगी, लेकिन अगर सरकार सही नहीं करी तो मैं थोड़ी सी विपक्ष बन जाऊंगी उस केस में। अगर सरकार नहीं कर रही है अच्छा काम तो ठीक है, लेकिन नहीं कर रही है तो मैं भी सवाल उठाऊंगी। छात्र संसद में जो आप भाग लिए, क्या पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाना चाहेंगे? नहीं सर, मेरे मतलब दूर दूर तक ऐसा कोई नाता मेरा था ही नहीं, पॉलिटिक्स कभी सोचे ही नहीं थे, ये सब तो नया हो रहा मेरे लिए। पॉलिटिक्स में इसके बाद आने का कोई? नहीं सर, IAS ऑफिसर। यस सर। क्यों ऐसा क्यों? सर क्योंकि मुझे लगता है IAS ऑफिसर ग्राउंड लेवल पे वो काम कर सकते हैं जो कि शायद कहीं ना कहीं राजनीति में नहीं मिल पाता है। लेकिन आप जो पॉलिटिशियन बनिएगा, विधायक बनिएगा, उसके बाद मंत्री बनिएगा, कई IAS IPS आपके पीछे काम करें। सर मुझे ये मैटर ही नहीं करता कि मेरे आगे कौन चल रहा है, मेरे पीछे कौन चल रहा है, मैं कहाँ चल रही हूँ ये मुझे मैटर करता है। आप जो चलिएगा, आप विधायक बनिएगा तो आप नियम कानून कायदे बनाइएगा, उसी कायदे कानून से जो है सरकार चलेगी और IAS IPS। ठीक है सर, वो बात आपकी सही है, लेकिन IAS होने के नाते मेरा ये कर्तव्य रहेगा कि वो जो बना दिए गए उनके द्वारा उनको मैं लागू तो कर सकूँ। मैं पहले लागू करूंगी, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं मैं वो ध्यान दूंगी, इतना मेरे लिए काफी है। लग रहा है कि पॉलिटिक्स की ऐसी स्थिति है इसीलिए आप लोग नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स की स्थिति अच्छी है, बस उस लाइन में नहीं जाना। देखिए ये थर्ड पोजीशन लाई है, नाम है इनका श्वेता सिंह। किस जिले से? देवघर जिला। देवघर जिला से, मतलब नारायण दास आपके? हाँ हाँ जी। हाँ तो वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी बात भी रखते हैं अच्छे तरीके से, जनता के बीच से में जुड़ते भी हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। वो अभी विपक्ष में और आप पक्ष की तरफ से? सर कोई बात नहीं है सर, कोई बात। पॉलिटिक्स को अपना कैरियर आने वाला समय तय करेगा सर। क्या लगता है कि पॉलिटिक्स की स्थिति आज ठीक नहीं है, अच्छे लोग नहीं आ रहे? आज ठीक नहीं है, बट युवा सशक्त होंगे और आने वाला समय सही रहेगा। इसीलिए तो युवा से जी सर, जो हमारे युवा है उनकी आवाज़ आज हम लोग बने हैं और इनसे प्रेरणा युवा लेंगे और आएंगे आगे। और हम अभी चाह रही हैं कि नौकरी वगैरह कहीं मिल जाए जी, मिले तब पॉलिटिक्स? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। सर हमारा सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है और युवा के लिए आवाज़ उठाना इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर अपना आवाज़ उठाने का एक मौका मिला इसीलिए। पॉलिटिक्स में आ जाइएगा, विधायक मंत्री बन गए तो आपके IAS IPS जो सिविल सर्विस आपका लक्ष्य है वो तो कई आपके पीछे काम कर जी सर, लेकिन एक मन में तय किया हुआ रहता है कि क्या बनना है क्या नहीं, तो सिविल सर्विसेज में इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को सर्व करना मेरा लक्ष्य रहा है शुरू से। पॉलिटिक्स में आने से अच्छा है कि IAS IPS? नहीं सर, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना कर्तव्य है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इंटरेस्ट है बस, इस पर और ज़्यादा कुछ नहीं। मश तो आज तो आप छात्र संसद में हिस्सा लिए थे, क्या पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाना चाहेंगे? सर राजनीति में अपना भविष्य ज़रूर देखते हैं, अगर भविष्य में ऐसा मौका मिलता जाए तो राजनीति में अपना भविष्य बनाएंगे, ये खुद में विश्वास रखते हैं। क्या है कि पढ़े लिखे लोगों को और युवाओं को पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी हो गया? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ज़रूरी भी है, और अपना झारखंड विधानसभा में 60% से अधिक विधायक युवा भी है, ये बात हम आप सभी जान रहे हैं। मैं साहिबगंज जिला से हूँ, मेरा नाम अवधि प्रशांत सागर, सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, जोहर। साहिबगंज के विधायक जी, बिल्कुल। आप भी पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? पॉलिटिक्स में नहीं, पर जन सेवा का कार्य बचपन से रुचि रही है जिसमें हम लगे हुए हैं, और आज प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो हमारे लिए गौरवान्वित बात है, और आज इस पटल पर जो हमें मौका दिया गया कई ज्वलित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं इनके। बाहर से जो कुछ भी दिखता था अभी जब अंदर से आके देख, बिल्कुल ही अलग अनुभव है। YouTube पे तो हम जो भी बजट सेशन, विंटर सेशन जो चलती है उससे तो देखते ही हैं, लेकिन जो यहाँ खुद पे बैठकर वहाँ पे विधानसभा जो पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस है
उसको देखने का जब मौका मिला तो वो काफी अलग अनुभूति थी। विधायक थे पाकुड़ जिला के, निश्चित रूप से इसमें तो पक्ष में थे, विपक्ष की भूमिका में थे। जी जी, आपने कुछ बोला? जी बोला। कैसा अनुभव? अनुभव बेहद बढ़िया रहा। जिस सदन को हम लोग बाहर से बैठ के गलत नज़रिए से देखते हैं, कई लोगों के मन में ये छवि हो गई है कि नेता मतलब समाज के लायक नहीं है, मतलब कुछ सही छवि नहीं है, सदन के प्रति छवि नहीं है, सदन के कार्यवाही की छवि सही नहीं है। आज छात्र संसद के माध्यम से पूरे देश भर के राज्यों के सदनों को ये संदेश देने का काम झारखंड छात्र संसद के माध्यम से हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से भी सदन चलाया जा सकता है। और मेरा मानना है कि युवाओं को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम अपने क्षेत्र में छात्र नेता के रूप में, छात्र सेवक के रूप में कार्य पॉलिटिक्स के को कैरियर बनाना चाहेंगे, बिल्कुल बनाना चाहेंगे। मैं विकेस कुमार, हम लातेहार से हूँ सर। लातेहार के विधायक, पक्ष में थे? विपक्ष में सर। क्या लगता है कि झारखंड में जिस तरह से विपक्ष के तरफ से जो कुछ भी देखने को मिला था पिछले दिनों झारखंड विधानसभा में, बाहर यहीं पर बैठकर कीर्तन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जनता की आवाज़ नहीं उठ पा रही थी, आप लोग आवाज़ उठने दिए? जी सर, हमने आवाज़ उठाया, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उठाया और सरकार की कमियों को भी सरकार के सामने रखा और संशोधन करने के सुझाव भी दिए। आप कैरियर बनाना चाहेंगे? सोचेंगे सर। ये मतलब देखिए, आप जैसे पिछले दिनों की घटना की चर्चा कर रहे हैं, मेरा मानना है कि आप पक्ष में हो या विपक्ष में, राष्ट्र और भारत के संस्कृति की जब भी बात आएगी, आप पक्ष या विपक्ष में हैं, आपको सबसे आगे आकर उस संस्कृति का बचाव करना है। मतलब नहीं रखता कि आप सरकार में हैं या विपक्ष में हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं।